गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम इकोनॉमिक्स में सेकंड लेसन कर रहे थे हमारा लेसन था संसाधन के रूप में लोग यानी कि लोग संसाधन के रूप में कैसे काम करते हैं उनकी राष्ट्रीय है, सकल राष्ट्रीय आय में क्या योगदान होती है हमने इसमें सकल की कहानी और विलास की कहानी पढ़ी थी कि एक बच्चा जैसे पढ़ लिख कर गाँव में उसने अपना कंप्यूटर सेंटर खोल लिया था और इनकम का सोर्स बना लिया था एक बच्चा पढ़ नहीं पाया था उसको क्या प्रॉब्लम हुई थी हमने ये पढ़ा तो आज हम आगे करेंगे हमारा आगे टॉपिक है हमने बेरोजगारी के बारे में पढ़ लिया था इसमें क्या था कि जो सकल की माँ थी वो अपने घरेलू काम और बच्चों की देखभाल कर रहे और खेती में काम करने में कर काम करती और अपने पति बूटा की मदद करती थी सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में बिताते थे तो क्या आप सिला जीतू या सितू को बेरोजगार कह सकते हैं यदि नहीं तो क्यों बेरोजगारी उस समय विद्यमान कहा जाती है कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके यानी लोग काम करने तैयार हो लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता जीतू और सेतु बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं होती और ना ही जीतू सेतु और शिला को बेरोजगार कहा जा सकता है फिर श्रम जनसंख्या में वे लोग शामिल होते हैं जिनकी उम्र पंद्रह वर्ष से उनसठ वर्ष के बीच में होती है सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ष में नहीं आते थे इसलिए उन्हें हम बेरोजगार नहीं कह सकते फिर आती है भारत में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी अलग अलग पाई जाती है ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी की जो प्रकृति है उसमें भी अंतर है जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें मौसमी और प्रच्छन यानी छिपी बेरोजगारी है जबकि नगरों में शिक्षित बेरोजगारी है जो मौसमी बेरोजगारी वो तब होती है जब लोग साल के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते और कृषि पर आधारित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं उनके जहाँ बुआई कटाई और निराई का काम होता है उसके बाद वो सब फ्री रहते हैं प्रचन्न बेरोजगारी के अंतर्गत कुछ लोग नियोजित प्रतीत होते लगे हुए जिनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है ऐसा प्राय कृषिगत काम में लोग लगे परिजनों में होता है किसी काम में मान लो पाँच लोगों की व्यवस्था होती है लेकिन उसमें आठ लोग लगे हुए हैं तो उसमें तीन लोग हैं वो अतिरिक्त लगे हुए हैं ये तीन लोग इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर पाँच लोग काम करते हैं तो वहाँ उनको कोई इनकम नहीं होती कोई उनका अंशदान नहीं होता अगर तीन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में भी कोई कमी नहीं आएगी और खेत में पाँच लोगों के काम की अवस्था तो तीन अतिरिक्त लोग प्रचन्न रूप से बेरोजगार किए जाएंगे शहरी क्षेत्रों के मामले में देखें तो शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य घटना बन गई है मैट्रिक स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री दर अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ है एक अध्ययन में ये बात सामने आई कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों की बेरोजगारी सबसे अधिक है वो तेजी से बढ़ रही है कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति से अधिक ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति कमी आई है एक और तकनीकी अर्ता प्राप्त तो लोगों के बीच बेरोजगारी या तो दूसरी ओर अधिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशलों की कमी है तो बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में भी वृद्धि होती है कार्य जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है मान लो जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था के पूरे विकास पर बेरोजगारी का अहितकारी प्रभाव पड़ता है और बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व नहीं बनेंगे अब इसमें एक गांव की कहानी बताई गई जिसमें अनेक परिवार रहते हैं और प्रत्येक परिवार इतनी उपज लेता था कि उससे उसके सदस्य खा पी सके और परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते थे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएँ स्वयं पूरी करता है इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया और लड़के को निकल के कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया कुछ समय बाद वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त करके गांव वापस लौटा वह वा इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल्का नमूना तैयार किया जिससे गेहूँ की उपज में वृद्धि होगी इस तरह गाँव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति भी हुई गांव के उस परिवार ने अपनी अधिकांश फसल निकल के गांव में बेच दी और इससे उन्हें अच्छा लाभ भी हुआ जिससे उन्होंने आपस में बांट लिया इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय बाद गांव के सभी परिवारों में एक बैठक ही की उन्होंने अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाने की कामना की और उन्होंने पंचायत से गाँव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया और निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति होगी और उस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे कुछ समय बाद गांव में एक परिवार ने अपनी लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया वह तो गांव के सभी लोगों के कपड़े सीने लगी क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले हुए कपड़े पहनकर पहनना चाहते थे इसलिए दर्जी का काम सृजित हुआ इस तरह एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ जिससे किसान का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में समय था वो अब बचने लगा था तो औपचारिक रूप में अगर कोई अवसर ही था ना ना कोई शिक्षक था दर्जी था एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया और यह एक साधारण गाव की कहानी है जहाँ मानव पूंजी के उठते स्तर से जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाओं के स्थल के रूप में विकसित किया तो आज आपने ये सेकंड लेसन कंप्लीट कर लिया और इसके आपने लेसन को ध्यान से समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर भी अपनी फेयरबुक में राइट भी करना है और इन्हें अच्छे से लर्न भी करना है ओके